मॉर्निंग बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें बच्चों आपको हर चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। बस आपको इतना करना है कि जो वीडियो है उसको रेगुलर देखना है और इस वीडियो के बाहर से कोई भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चों, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री का विलयन चैप्टर। इसको हम 2 से 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इस चैप्टर में हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि मोलरता से आप क्या समझते हो, या कह सकते हैं हाउ टू डिफाइन मोलरिटी। बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपके कई बार पूछा गया है कि मोलरता से आप क्या समझते हो। तो मोलरता का मतलब होता है बच्चों, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो मोलरता को आप कैसे डिफाइन करोगे बच्चों, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है, या हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन उसे मोलरिटी कहते हैं। तो बच्चों, अभी हमने क्या बताया, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलरता क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या हम इसे कह सकते हैं एम इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, मान लेते हैं N2 अपॉन वॉल्यूम, किसमें, लीटर में बच्चों। तो जो विलेय के मोल है उसको आप कैसे निकालोगे, N2 बराबर होता है W2 by M2। W2 क्या है, विलेय विलेय का भार है, और M2 क्या है, M2 विलेय का क्या है, M2 विलेय का अणु भार है, अणु भार है। तो आप M2 कैसे निकालोगे, आप N2 निकालोगे, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होती है W2 by M2, जिसमें W2 होता है बच्चों विलेय का भार और M2 होता है विलेय का अणु भार। आप इसको इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये निकल के आएगा m बराबर हो जाएगा W2 by M2 इनटू वॉल्यूम, जो है ये किस में है, लीटर में। अगर आप इसको ml में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फार्मूला आपका निकल के आएगा फाइनल मोलरता का। बच्चों, ये पूछा जाता है जिसमें वॉल्यूम या आयतन होता है वो टेम्परेचर टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मोलरता होती है वो टेम्परेचर पे निर्भर करती है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसलिए यह टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। अब हम बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 8 ग्राम NaOH कितने में, 450 ml बिलियन में घुला है, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। अभी हमने बताया मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के क्या है, हमने बताया विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, का आयतन लीटर में। तो बच्चों, अभी हमने फाइनल फॉर्मूला निकाला था m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है W2 by M2 इंटू जो वॉल्यूम होता है ml में, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने बताया W2 क्या है, W2 है विलेय का भार, तो विलेय का भार क्या है इसमें, 8 ग्राम।
और M2 क्या है? M2 विलेय का अणुभार है, तो विलेय NaOH है, NaOH का अणुभार कितना होता है? 40 होता है। तो बच्चों अब इसको आप फॉर्मूले में रख दीजिए, M बराबर हो जाएगा 8/40 टू वैल्यूम कितना है? 450 ml। ऊपर मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूले में 1000 से, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.44 मोलर, या हम कह सकते हैं मोलरता बराबर कितना होगा? इतना मोल पर लीटर, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, मोललता को परिभाषित कीजिए। बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में कि मोललता को परिभाषित कीजिए। तो मोललता का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रति ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। मोललता किसे कहते हैं बच्चों? प्रति ग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है मोललता, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो उसे क्या कहते हैं? मोललिटी कहते हैं। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m बराबर होता है N2/W1। N2 क्या है? विलेय के मोल। W1 क्या है? विलायक। विलायक विलायक का द्रव्यमान होता है बच्चों, ये विलायक का द्रव्यमान होता है। अभी हमने बताया विलेय के मोल कैसे निकालते हैं। विलेय के मोल निकालते हैं W2/M2 से, जिसमें W2 क्या है? विलेय का भार है। M2 क्या है? विलेय का अणुभार है। तो बच्चों हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? M=N2/W1। ये ग्राम में अगर होगा तो इसमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम इसको और सरल भाषा में W2/M2×W1, ये ग्राम में है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। और बच्चों इसकी यूनिट याद रखिएगा, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। तो बच्चों हमारा फाइनल फार्मूला क्या निकल के आया? W2/M2×1000/W1। चूंकि बच्चों इसमें वैल्यूम नहीं है, इसमें वैल्यूम नहीं है, तो मोललता क्या होती है? मोललता ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये पूछा गया है कई बार, मोललता टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये आयतन पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यह टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। अब हम बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का मोल कितना है? 1/10 मोल है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया मोललता बराबर होता है विलेय के मोल, ये क्या है? N2 है बच्चों विलेय का मोल, अपॉन W1। W1 क्या है? W1 विलायक, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान ये ग्राम में है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे बच्चों हमको दिया क्या है, विलेय का मोल दिया है N2/1/10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। W1 हमको कितना दिया है? ये 100 ग्राम दिया है। अब आप इसको इसमें पुट करिए, M बराबर हो जाएगा 0.1/100×1000। तब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मोललता कितनी आएगी? 1 मोलल। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मोल प्रभाज से आप क्या समझते हो, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो ये बोल रहा है मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों किसी बिलियन में उपस्थित एकल अवयव के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित
अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? हम उसे मोल प्रभास कहते हैं। तो मोल प्रभास क्या होता है बच्चों? बिलियन में उपस्थित एकल अवयव के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मोल प्रभास कहते हैं या मोल फ्रैक्शन होता है क्या? रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन वो क्या कहलाता है? वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। मान लो बच्चों विलेय के मोल क्या है Na और विलायक के मोल क्या है Nb। तो अभी हमने बताया बिलियन में उपस्थित एकल अवयव के मोलों की संख्या। मान लो हमको विलेय का मोल प्रभास निकालना है तो उसके मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इसी तरीके से विलायक का मोल Nb हमने माना। अगर हमें विलायक का मोल प्रभास निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या ये क्या कहलाता है? ये मोल प्रभास कहलाता है। इसी को हमने ऊपर डिफाइन किया है। इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। x बराबर क्या है? एकल अवयव के मोलों की संख्या बटे कुल अवयव के मोलों की संख्या। तो आपको ये ध्यान देना है कि विलेय का मोल प्रभास पूछ रहा है या विलायक का पूछ रहा है। अगर विलेय का पूछ रहा है तो विलेय के मोल ऊपर रहेंगे बटे हो जाएगा कुल मोलों की संख्या जो बिलियन में प्रेजेंट है। बच्चों जो विलेय का मोल प्रभास होता है प्लस विलायक का मोल प्रभास वो इक्वल टू होता है वन। इसको ध्यान में रखिएगा। यदि आप विलेय का मोल प्रभास निकाल लिए हैं तो विलायक का मोल प्रभास आपको निकालने की जरूरत नहीं है। उसको आप एक से माइनस कर देंगे तो आपको विलायक का मोल प्रभास मिल जाएगा। अब बच्चों इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभास ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो जल का मोल प्रभास है उसको हम एक्से से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्से से हम रिप्रेजेंट करेंगे जल का मोल प्रभास, जल का मोल प्रभास, और Xb से हम रिप्रेजेंट करेंगे एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभास। अब हम इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? अभी हमने बताया Xa बराबर क्या होता है। जैसे जल का हमको मोल प्रभास निकालना है तो जल का मोल हम Na मान लेते हैं। Na अपॉन कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। जल का मोल कितना है? जल का मोल इसको हम यहाँ लिख देते हैं। जल का मोल हमने कितना माना है? Na। और एथिल अल्कोहल का मोल हमने कितना माना है? एथिल अल्कोहल का मोल हमने माना है Nb, Nb। तो Xb बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभास निकाल रहे हैं तो एथिल अल्कोहल का मोल Nb अपॉन कुल मोल Na प्लस Nb। अब हम बच्चों पहले Na निकाल लेते हैं। Na बराबर क्या हो जाएगा? Wa बाई Ma। Wa कितना है? 72 ग्राम अपान वाटर का मॉलिकुलर वेट कितना होता है? 18। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। और Nb बराबर Wb बाई Mb। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे Wb कितना दिया है? 92 ग्राम। और एथिल अल्कोहल का मॉलिकुलर वेट कितना होता है? 46। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मिल जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको जल का मोल और एथिल अल्कोहल का मोल मिल गया है। तो आप इसको फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। X1 बराबर क्या हो जाएगा? जल का मोल प्रभास हम निकाल रहे हैं तो जल के मोल बटे कुल मोल 4 प्लस 2। इसी तरीके से एथिल अल्कोहल का जब हम मोल प्रभास निकालेंगे तो एथिल अल्कोहल के मोल बटे कुल मोल। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.667 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.333।
यहाँ बच्चों हमने एक फार्मूला और भी बताया था, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1। अगर हमको एक्स ए पता चल गया कितना 0.667 प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.667। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.333 ये आंसर आ जाएगा, आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने पढ़ा मोल प्रभास क्या होता है, उसे हम कैसे निकालते हैं, मोललता क्या होती है और मोलरता से आप क्या समझते हो। बच्चों आज हमने ये तीन डेफिनेशन देखी, ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बिलियन चैप्टर का बेसिक आपको समझाते हैं। आगे के चैप्टर को बच्चों हम कल डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार और वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद बच्चों।